हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीजें जो कॉस्मेटिक शॉप में जरूर होनी चाहिए। अगर आपको अपने कॉस्मेटिक शॉप में अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो वो चीजें आप जरूर अपनी शॉप में रखिए। तो जनरली कॉस्मेटिक शॉप में क्या होता है कि मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, ज्वेलरी आइटम्स होती हैं, डेली एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, बैंगल्स होती है, ये सब होता है जनरली कॉस्मेटिक शॉप के अंदर। तो अगर आपको डबल प्रॉफिट कमाना है तो जो मैं आज चीजें आपको बताने वाली हूं, अगर वो आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप में ऐड कर लेते हैं तो आपकी शॉप का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, आप डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं अपनी शॉप से। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंडरगार्मेंट्स बहुत अच्छे सेल होते हैं कॉस्मेटिक शॉप में, और इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। लगभग 40% से 50% तक का मार्जिन आपको मिल जाता है, तो आपको ये शॉप में ज़रूर रखना चाहिए। लेडीज़ और जेंट्स दोनों रख सकते हैं। सेकंड है पर्स, क्लचेस, हैंडबैग्स बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी कॉस्मेटिक शॉप में। अगर आप इसे रखते हैं तो इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, और आपको छोटे साइज़ के पर्स क्लचेस रखने चाहिए अपनी शॉप में, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं रखने चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड आता है स्टिचिंग मटेरियल में आप सुई, धागा, गोटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टिचिंग में, तो वो आप शॉप में रख सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है शॉप में और सेल भी बहुत अच्छी होती है, तो ये आप रख सकते हैं। फोर्थ आता है गिफ्ट आइटम्स में आप सॉफ्ट टॉयज, सीनरीज और जो भी गिफ्ट आइटम्स होते हैं, बच्चों के खिलौने, ये सब आप अपनी शॉप में रख सकते हैं, बहुत अच्छे सेल होते हैं और इसमें भी मार्जिन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। और फिफ्थ नंबर पे है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आप थोड़े बहुत अपनी शॉप में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना रखें। पेन, पेंसिल, इरेजर, ये जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं स्टेशनरी में, ये आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी सेल होती हैं। तो ये हैं कुछ पांच चीजें जो आप अपनी शॉप में रख सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।